हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आलू के चिप्स कैसे बनते हैं, कि इसे आप सालों भर स्टोर कर रख सकते हैं। ये काले नहीं पड़ेंगे, एकदम सफ़ेद रहेंगे और क्रिस्पी। तो कुछ खास बातें हैं, इसे आप ध्यान में देकर चिप्स बनाएंगे तो हर बार एकदम चिप्स सफ़ेद और क्रिस्पी ही बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू के चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर 5 पीस बड़े साइज में आलू ले लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, आलू को छील कर अच्छी तरह से धो लिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा छिलका रह गया है। तो यहाँ पर एक ग्रेटर ले लिए हैं, और इसमें 2 तरह के चिप्स बनाने के लिए रहते हैं, और ये बहुत ही पुराने ग्रेटर है। तो यहाँ पर सिंपल वाले से इसे बनाएंगे, और यहाँ पर इसे काट लेते हैं। और ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से एकदम पतले पतले चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अगर चाहे तो डिजाइन वाले चिप्स भी बना सकते हैं, या फिर ये सिंपल वाले भी चिप्स बना सकते हैं। और इसमें बहुत ही आसानी से एकदम पतले पतले साइज में ये आलू कट जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसे काटना आसान है। और यहाँ पर चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन चाकू से कोई बड़ा या मोटा कटा जाता है। और यहाँ पर देखिए, पतले पतले साइज में काट लिए हैं। इसी तरह से सभी को यहाँ पर काट लिए हैं। तो अब आलू को धो लेना है। इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से इसे धो लेंगे। तो यहाँ पर आलू को धो लिए हैं। आलू के चिप्स जब भी बनाते हैं तो काट कर उसे धो लेते हैं, लेकिन धोने के बाद भी कुछ खास बातें ध्यान देनी है कि आलू के चिप्स जब भी धो लें उसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी इसके डूबने भर पानी डालना है, और इसे 4 से 5 घंटे तक पानी में ही छोड़ देंगे। आलू के चिप्स जब भी बनाएं तो उसे पानी में 5 घंटे के लिए छोड़ दें। 5 घंटे के बाद देखेंगे कि आलू एकदम टाइट हो गए हैं, और ये थोड़े बड़े बड़े भी हो जाएंगे, और ये देखिए एकदम सफ़ेद भी। तो आलू के चिप्स जब भी बनाएं तो ये बात आप ध्यान दें कि आलू को काटकर धोकर उसमें पानी डूबने भर डालना है, और इसे 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे पानी, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, और इन सारे कटे हुए चिप्स को इसमें डाल देंगे। चिप्स जब डालते हैं तो ये बातें ध्यान दें कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। गुनगुने पानी में ही सारे कटे हुए चिप्स को डाल देंगे, और इसे ढककर 2 मिनट तक पहले पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे, और ये देखिए, इसे जब पकाएंगे तो खौलाना नहीं है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। ज़्यादा पक जाने से ही हमारे चिप्स जो है वो काले पड़ने लगते हैं। और यहाँ पर चला लेने के बाद इसे ढक देते हैं, फिर 2 मिनट इसे पका लेते हैं। और इसमें देखिए, हल्का हल्का सा गुनगुनाहट आ रहा है, हल्का हल्का सा ये खौलने लगा है। तब इसे ढक्कन को निकाल लेंगे। अब गैस को कर देंगे बंद। आलू के चिप्स जब भी बनाएंगे तो इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाने से ही ये काला पड़ जाता है। जब भी चिप्स बनाते हैं तो इसे हल्का गुनगुना पानी में डालकर, हल्का सा जब ये गुनगुना होने लगे तभी इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इसे निकाल लेते हैं। तो इसे पानी में ज़्यादा देर छोड़ना भी नहीं है, जब चिप्स को बनाते हैं तो इसे तुरंत ही निकाल लें। और इस तरह से सभी को निकाल लेते हैं। तो कुछ खास बातों को ध्यान देंगे तो चिप्स हमारे एकदम दूध जैसे सफ़ेद बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगी। तो इसे चलिए छत पे सुखाते हैं। छत पे आ गए हैं, छत पे एक प्लास्टिक डाल दिए हैं, और प्लास्टिक के ऊपर सारे चिप्स को डाल देंगे एक एक करके। अगर धूप अच्छी रहती है तो 1 दिन में ही सारे चिप्स सूख जाएंगे, अगर धूप धीमी धीमी रहती है तो 2 दिन लग जाते हैं इसे सूखने में। और ये देखिए, इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चिप्स हमारे सूख गए हैं, इसे सूखने में 2 दिन लग गए हैं, और ये एकदम अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो जब चिप्स को आप स्टोर करें तो सारे चिप्स को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, तभी हमारे चिप्स साल भर के लिए अच्छे रहेंगे। और चिप्स बनाते समय सारे ट्रिक को ध्यान दें। तो इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए तेल गर्म करेंगे, और यहाँ पर चिप्स को डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो चिप्स को जब फ्राई करते हैं तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हल्का सा तेल ज़्यादा गर्म था तो चिप्स हमारे लाल हो गए।
और यहाँ पर इस तरह से फ्राई कर चिप्स को निकाल लेते हैं तो एकदम बड़े बड़े और सफ़ेद चिप्स बनकर तैयार हैं। और ये देखिए कितने बड़े बड़े चिप्स बने हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रंची लगेंगे, बहुत ही टेस्टी। तो इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं काला नमक या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा कलर के लिए डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इस तरह से इसे ऊपर ऊपर डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे होममेड चाट मसाला। तो चाट मसाला की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप ज़रूर देखें। और इसे डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छी ना भी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और इस तरीके से आप एक बार चिप्स ज़रूर ट्राई करें और एकदम सफ़ेद और क्रिस्पी। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।